कैसे हैं आप लोग। मैं आपका आह्वान फिर से आ गया आपके सामने एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। तो आज मैं इस गाने पर रिएक्शन लेके आया हूँ। उसका नाम है फंस गईनी बराती। बराती में फंस गया। कैसे फंस गया? पैंट में पॉटी कर दिया था इसलिए फंस गया, या फिर पैंट चोरी हो गया, जूता चप्पल चोरी हो गया, क्या हो गया, क्या उन दिक्कत हुआ, या फिर किसी लड़की से फंस गया? तो हमें इसे पता चलेगा कब, ये गाना सुनने के बाद, इस गाने के रिएक्शन के बाद। तो इस गाने के सिंगर है प्रमोद प्रेमी यादव जी, जिनका मैंने बहुत सारे गाने पर रिएक्शन करा है और ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा गाना गाते हैं। इनका पता है मैंने गाना सुनना कब से स्टार्ट करा था? मैं एक दिन रील देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, बहुत सारा रील स्क्रॉल कर दिया, तो फिर मुझे एक गाना सुनने में आया। उस समय बोलबम का मतलब कि बाबा धाम जाने का समय था। मेरे रील फीड पे एक गाना आया, जो गाना था मेहरारू चाही सुनर। मैं वो गाना काफी बार सुना, मुझे इतना ज्यादा पसंद आया गाना प्रमोद प्रेमी जी का कि मैं कुछ काफी ज्यादा बार सुना उस गाने को, और मुझे काफी ज्यादा हंसी भी आता था, खुशी भी होता था वो गाना सुन के। तो ये गाना सुन के अब पता चलेगा ये गाना कैसा है। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए चलिए करते हैं इस गाने का रिएक्शन, जिसका नाम है फंस गई नी बराती में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी अगर चैनल को सब्सक्राइब, और पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत बोलना। तो करें रिएक्शन स्टार्ट, तो चलिए करते हैं काम जान। तो 1 2 3 गो। मुझे बराती में जाने से ज्यादा अच्छा बराती का कमरा ज्यादा पसंद है। भोजपुरी गाने से ज्यादा अच्छा मुझे जो बीच बीच में मजाक में कुछ कुछ बोलते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है सुन के। वैसे ये गाना काफी ज्यादा अच्छा था यार, काफी ज्यादा मनोरंजक गाना था। ठीक है, लास्ट में कहती है साचो में करिया रहा।
किस लिए फंसी? गाना में बताया गया था, उनके गोल गोल बातों पे फंस गए, उनके आंख मारने के तरीके पे फंस गए, फिर वो जो नंबर दिया उस पे फंस गए, फिर जो किस किया यहाँ पे उस पे फंस गए। तो फंसना तो था ही, ठीक है, क्योंकि प्रमोद प्रेमी जी इतने फेमस, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो कोई भी देखेगी तो फंस ही जाएगी यार, समझ रहे हो बात। तो काफी अच्छा गाना गाया प्रमोद जी, और काफी ज्यादा अच्छा लिखा भी गया है गाना यार, काफी ज्यादा अच्छा लिखा गया। हर गाने प्रमोद जी का मतलब कि जल्दी जल्दी गाना आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोद जी का गाना आ रहा है। ऐसे तो आप कभी सुने हो कि आर्टिस्ट 1 महीने में एक गाना दे रहा है, 2 महीने में एक गाना कर दे, पर प्रमोद जी का अभी मैं देख रहा हूँ हर वीक गाना आ रहा है, हर सप्ते में एक गाना आ रहा है, और सारा गाना तगड़ा आ रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी गा दिए आ गया गाना, नहीं, सब पे वीडियो पे अच्छा काम हो रहा है, सबके म्यूजिक पे अच्छा काम हो रहा है, मास्टर मिक्सिंग पे अच्छा काम हो रहा है, सबके लिरिक्स अच्छे अच्छे हैं। देख लो कितना मेहनत कर रहे हैं यार, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अभी खेसारी लाल यादव का भी बहुत ज्यादा गाना आ रहा है, जल्दी जल्दी गाना आ रहा है। पवन सिंह का गाना भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो इलेक्शन में भी लगे हुए हैं, तो भगवान सबके साथ रहे, सबका साथ सबका विकास होगा। तो भाई, तो मुझे ये गाना काफी अच्छा लगा, हद से ज्यादा अच्छा लगा। तो आपको ये गाना कैसा लगा आप कमेंट में करके बताओ। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर पसंद ना आया, ठीक है, अगर आपको ये गाना पसंद नहीं आया तो आप कमेंट में करके बता सकते हो कि आपको ये गाना क्यों पसंद नहीं आया, इस गाने का वीडियो पसंद नहीं आया, इस गाने का लिरिक्स पसंद नहीं आया, इस गाने का म्यूजिक क्यों नहीं पसंद आया, ठीक है। तो मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो अब गाने को करते हैं साइड, अगर आपको किसी और भी गाने का रिएक्शन, रिव्यू या फिर ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट में गाने का नाम और साथ में आर्टिस्ट का नाम ड्रॉप करना मत भूलना। अगर भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं, कोई वादा नहीं, आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आकर बता दो कि आपको किस गाने पे रिएक्शन चाहिए, किस गाने पे रिव्यू चाहिए, किस गाने पे ब्रेकडाउन चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है। अगर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाने में दिक्कत हो रहा है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे क्लिक करो, डायरेक्ट मेरे पेजेस पे आ जाओ, ठीक है। पर आप भूल जाते हो यार, तो आप पूछो क्या भूल जाता हूँ मैं, गाने का नाम डालते हो तो आर्टिस्ट का नाम भूल जाते हो, आर्टिस्ट का नाम डालते हो तो गाने का नाम भूल जाते हो। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों साथ में लिखो ताकि मुझे गाना ढूंढने में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हर बार मुझे कन्फ्यूजन हो जाता था। आप पूछो कैसा कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन मुझे ये हो जाता है कि आप जब आर्टिस्ट का नाम लिखते हो तो उतने बहुत सारा गाना गाया है, तो मैं उसका किस गाने पे रिएक्शन करूँ, इस बात का कन्फ्यूजन होता है। अगर आप सिर्फ गाने का नाम ड्रॉप करते हो तो जो अच्छा गाना है वो तो मिल जाता है, जो फेमस गाना है वो मिल जाता है, पर कोई कोई गाना ऐसा भी है कि सेम नाम का बहुत सारा गाना है, तो उसे ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप दोनों मर्ज करके भेजो, गाने का और आर्टिस्ट का नाम साथ में लिख के भेजो, ठीक है। तो भाई मुझे आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो जितना ज्यादा हो सके मुझे प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो। तो आप मुझे प्यार दोगे कैसे? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे इतना, इससे ही बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। और थोड़ा सा प्यार मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बरसा देना। तो आपको तो पता ही है कि इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप किसी भी वीडियो पे जाओ, क्लिक करो और डायरेक्ट आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब बताओ भाई कि मेरा वीडियो इस शुरू से अंत तक आपको कैसा लगा, मेरा कॉन्टेंट कैसा लगा? अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, अगर पसंद ना आया, कहीं पर दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, बहुत ज्यादा दिल से माफी मांगता हूँ। तो आप एक काम भी कर देना, अगर आपको खराब लगा हो तो आप सजेस्ट कर दो कि मुझे क्या चेंजेस करना चाहिए वीडियो में, और क्या क्या नई नई चीजें लाना चाहिए, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तो आप कमेंट करना, मुझ पर प्यार बरसाना मत भूलना। तो आशा करता हूँ कि आप सब काफी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।